मॉर्निंग बच्चों, कल हमने नाउंस के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आगे देखते हैं। सम अदर कॉमन नाउंस। देखिए, यहाँ प्रॉपर नहीं है, कॉमन नाउन की बात हो रही है। और मैंने कल बताया था कॉमन नाउंस कौन से होते हैं, जिस पीपल एंड प्लेसेस नेम को छोड़कर जितने भी थिंग्स नेम आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे कॉमन नाउन में आते हैं। फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स हैव देयर नेम्स। देखिए, सभी का अपना नाम होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स का भी सबका अपना नाम होता है, फ्लावर्स का भी होता है, फ्रूट्स का भी सबका अपना नाम होता है। एवरीथिंग हैज़ नेम्स। सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। देखिए, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं, जितने भी नाम दिए गए हैं। केक, अब इसको नाम तो केक दे दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ यही केक है? और इसके जैसे और भी बहुत सारे केक होते हैं। पेन सिर्फ यही तो नहीं है, ठीक है, इसका नाम पेन है, इस चीज़ का नाम तो पेन है, लेकिन पेन बहुत सारे होते हैं। ये बिन है, ये वैन है, तो ये सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है। इनको नाम तो दिया जाता है, लेकिन इन जैसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। किसी एक चीज़ का प्रॉपर नाम नहीं है, सभी चीज़ों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ पीपल गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर देखिए, ये आपको हेल्प बॉक्स में कुछ नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको पिक्चर को देखना है पहले, ठीक है, फिर जो सेंटेंस दिया गया उसको रीड करो, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इसमें वो फील करना है। जैसे आई टीच यू, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। तो आई एम ए, कौन हूँ मैं? जो आपको पढ़ाता है वो क्या, उसको हम किस नाम से जानते हैं? टीचर, ठीक है, अध्यापक, उसको हम, हमें यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना, खाली ये बताना है कि हमें पढ़ाता कौन है। तो हमें टीचर पढ़ाता है, इसलिए हमने यहाँ पर टीचर लिखा है, ठीक है। एक टीचर से ये नहीं पता कौन टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन हमें इतना पता है हमें टीचर पढ़ा रहा है। आगे है आई बेक ब्रेड एंड केक। मैं क्या करता हूँ, ब्रेड और केक बनाता हूँ। तो कौन है बनाने वाला? जो ब्रेड और केक बनाता है उसको बेकर बोलते हैं, ठीक है, बेकर, जो ब्रेड और केक बनाता है। तो बेकर, इसका बेकर का नाम नहीं बताना हमें, किसका नाम क्या है, सिर्फ ये बताना है कि ब्रेड और केक कौन बना रहा है, तो वो बेकर बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन नाउंस में है सारे। आगे है आई मैंड योर शूज़। मैं आपके जूते पॉलिश करता हूँ। तो कौन करता है ये काम? आई एम ए कॉबलर, ठीक है, जो मोची होता है। आई ब्रिंग योर लेटर्स। मैं आपके जो पत्र होते हैं उनको लाता हूँ। तो आई एम ए, अब कौन लाता है पत्र? पोस्टमैन। पत्र लाने का काम किसका होता है? जो आदमी पत्र लेके आता है उसको पोस्टमैन बोला जाता है। उस आप पोस्टमैन का नाम नहीं बताना हमें, नाम नहीं पता, सिर्फ उसको पोस्टमैन से जानते हैं हम। तो ये कॉमन बात है, पोस्टमैन कोई भी हो सकता है। आई ड्राइव द बस। मैं बस चलाता हूँ। तो आई एम ए ड्राइवर, ठीक है, बस चलाने वाले को ड्राइवर बोला जाता है। यहाँ उस ड्राइवर का नाम नहीं दिया हुआ, खाली हमें ये पता है जो बस चलाता है उस आदमी को हम ड्राइवर बोलते हैं। आई ट्रीट यू व्हेन यू आर सिक। मैं इलाज करता हूँ आपका जब आप बीमार होते हो। तो कौन करता है हमारा इलाज? डॉक्टर करता है। इस इंसान को जो वाइट कोट में है, स्टेथोस्कोप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस इंसान को डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है। हमें इसका नाम नहीं पता, लेकिन हम कॉमन इसको डॉक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए बच्चों इसमें डॉक्टर आएगा, ठीक है। इनको देख के आपको फील करना है। तो ये सारे कॉमन नाउन हैं हमारे, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी का प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ, बल्कि एक नेम दिया गया जो पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। हाँ, अगर किसी का नाम दिया हुआ होता, जैसे टीचर का नाम होता कुछ, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता फिर, लेकिन खाली टीचर है तो ये कॉमन नाउन है। अब आगे देखिए, कलर द पीपल विद ब्लू एंड प्लेसेस विद रेड।
देखिए आपको नीचे कुछ नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, प्यूपल जो नेम है वहाँ पर ब्लू करना है, और प्लेसेस जो जगह का नाम है वहाँ रेड करना है। जैसे कशिश, ठीक है, कशिश क्या है, नाम है, कशिश का किसका है, कशिश एक नाम है, प्रॉपर है, ठीक है। तो इस पे आप क्या करोगे, ब्लू कलर कर दोगे। आपको औरों को छोड़ देना है, बस क्या देखना है, प्लेसेस नेम और ब्लू, सॉरी प्लेसेस और प्यूपल नेम, ठीक है, दो चीज़ें देखनी है। तो कशिश क्या है, प्यूपल है, तो यहाँ पर हम कैसा कलर करेंगे, ब्लू। सेकंड है टीचर, ठीक है। तो ये बच्चों आपका किस में आ रहा है, कॉमन नाउन में प्यूपल नेम है, तो इसको भी हम किस से करेंगे, ब्लू से करेंगे। पार्क एक जगह हो गई, इसलिए इसको हम किस से करेंगे, रेड से करेंगे। लीडर है, इसको हम किस से करेंगे, ब्लू से करेंगे। तो ऐसे ही आप इनको जो प्लेसेस और प्यूपल नेम है उनको छांट कर देखोगे, और प्यूपल नेम पे ब्लू करोगे, प्लेसेस नेम पे आप रेड करोगे, ठीक है। तो आज का आपका काम इतना ही।